गाइस पहचाना आपने क्या है ये? या यू आर राइट, वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये मोस्टली हर किसी के घर में मिल जाएगी, हर किसी के रूम में मिल जाएगी और हर किसी की साइड ड्रॉअर में मिल जाएगी ना। बट क्या आपको पता है इसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? नहीं पता, दो तीन ही पता है, दैट्स इट। डोंट वरी, आई एम गोना हेल्प यू। हे गाइस, दिस इज श्रेया, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वैसलिन पेट्रोलियम जेली की जितने फ़ायदों की बात करूँ, जितने नुस्खों की बात करूँ उतने कम है, जितने हैक्स की बात करूँ उतने कम है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि वैसलिन पेट्रोलियम जेली को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, जो भी हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, बहुत रफ लगते हैं, तो उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उसको शाइन प्रोवाइड हो जाएगी, प्लस वो गंदे भी नहीं लगेंगे। स्प्लिट एंड्स के साथ साथ अगर किसी को बेबी हेयर है, यानी बाहर आगे छोटे 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 हेयर हैं, और वो यहाँ ऐसे उठे हुए गंदे लगते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो ऐसे सेट रहें, है ना, तो आप क्या करेंगे, हल्का सा अपने हाथ पे लेंगे और यहाँ पर ऐसे लगा करके उनको सेट कर लेंगे। जैसे सपोज आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको नेल पेंट लगानी है, नेल पेंट लगानी है, बट आपको डर लगता है कि कहीं नेल क्यूटिकल्स पर नेल पेंट ना आ जाए, तो आप क्या करेंगे, नेल क्यूटिकल्स पर भी वैसलिन जेली को लगा लेंगे, जिससे नेल पेंट क्यूटिकल्स पर नहीं लगेगी। जैसे ही आपने नेल पेंट लगाई, साइड से आप क्लीन कर लीजिए, है ना मज़ेदार हैक? आपको पता था? कमेंट करके बताओ पता था या नहीं। अब विंटर्स आ चुकी हैं, ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम हर किसी को होगी, ड्राई हील्स की प्रॉब्लम हर किसी को होगी, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लेंगे और लिप्स पर अच्छे से रब कर लेंगे और रात को सो जाएंगे। सुबह देखेंगे आपको लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट एंड शाइनी मिलेंगे। वैसे ही अगर आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं, तो उसके ऊपर भी पहले आप एड़ियों को अपने गर्म पानी में भिगो लीजिए, मतलब उनको क्लीन कर लीजिए, स्क्रबर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। टॉवल से पोंछने के बाद उसके ऊपर आप वैसलिन पेट्रोलियम जेली लगा लो और फिर अपने सॉक्स पहन करके सो जाओ। सुबह देखोगे आपकी हील्स बहुत 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 सॉफ्ट हो जाएंगी। बट एक दिन में ऐसा नहीं होगा, आपको रिलीजियसली कुछ दिनों के लिए इस टिप को फॉलो करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आज मेरी एड़ियाँ बहुत फटी हुई हैं और आज की आज ठीक हो जाए, नहीं, आपको एक रूटीन बनाना होगा, रूटीन में इस चीज़ को फॉलो करना होगा। अगर आप मस्कारा नहीं यूज़ करना चाहते हैं या मस्कारा यूज़ करना आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप आई लैशेज़ के ऊपर वैसलिन पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं, जिससे आई लैशेज़ को ग्लो प्रोवाइड होगा, ग्लोसी लगेंगी और हाँ, वॉल्यूमनेस भी लगेंगी। आप ये हैक ट्राई करके ज़रूर देखना। कभी कभी क्या होता है कि हम नेल पेंट रिमूव करते हैं, नेल पेंट रिमूवर में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं, बहुत गंदा सा कर देते हैं हमारे स्किन को, प्लस हमारे नेल्स को, तो उसको हील करने के लिए भी हम वेसलिन जेली यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा लेकर के मसाज कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे विंटर्स में किसकी स्किन ड्राई नहीं होती, सबकी होती है, तो स्किन को शाइन प्रोवाइड करने के लिए, ग्लो प्रोवाइड करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए भी हम वेसलिन पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं। बट इट्स रिकमेंडेड टू डू अ पैच टेस्ट फर्स्ट। गाइस, क्या आपके पास मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया है और आप किसी पार्टी से आए हैं, बट आपको मेकअप रिमूव भी करना है, ये मेकअप रिमूवर भी नहीं है, क्या करेंगे? डायरेक्ट फेस वॉश? नहीं, डायरेक्ट फेस वॉश नहीं, आप वैसलिन यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वैसलिन लीजिए, अपने फेस के ऊपर डॉट डॉट करके पूरे फेस की मसाज कर लीजिए, आप देखेंगे कैसे वैसलिन ने पूरे मेकअप को स्किन से अलग कर दिया है। उसके बाद आप टिश्यू या कॉटन बॉल की हेल्प से उसको क्लीन कर लीजिए। आफ्टर डैट यू कैन गो फॉर फेस वॉश। आपको भी लिप बाम लगाने का शौक है, बट सिंपल वाली नहीं अच्छी लगती ना, कुछ टेंट ही नहीं मिलता, बट लिपस्टिक भी नहीं लगानी, फिर क्या करेंगे, थोड़ी सी वैसलिन लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी आपके फेवरेट लिपस्टिक की शेड थोड़ी सी उसमें मिक्स करेंगे, इतनी कि उसमें जस्ट कलर आ सके, मिक्स करेंगे और अपने लिप्स पर लगा लेंगे। हो गए हमारे टिंटेड लिप बाम रेडी और हमें लगा भी ली। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपकी ड्रेस के साथ की लिपस्टिक आपको नहीं मिल रही, बट आपके पास आई शेडो है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी वैसलीन लेंगे
उसके अंदर थोड़े से आपकी जो भी आई शेडो की शेड है उसको मिक्स करेंगे और अपने लिप्स के ऊपर लगा लेंगे। DIY लिपस्टिक रेडी। कभी कभी ड्राई हैंड्स होने की वजह से हमें बैंगल्स डालने में या निकालने में प्रॉब्लम होती है या अच्छे से आती नहीं है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वैसलीन लेकर अपने हाथों पर मसाज कर लेंगे और फिर आप देखना कि बैंगल्स कितनी ईजिली हमने डाल ली या निकाल ली। अगर आपके लैदर के शूज़ हैं या फिर लैदर बैग्स हैं आपके पास और उनकी शाइन चली गई है, क्या आपको वो अच्छे लगेंगे? नहीं। आप क्या चाहेंगे? शाइन कैसे आएगी? थोड़ा सा वैसलीन लेंगे, किसी नैपकिन या टिश्यू पेपर पर लगाएंगे और पूरे बैग पर या शूज़ पर आप उसको रब कर लेंगे। आप देखना इंस्टेंटली वो बैग और वो शूज़ आपके कैसे शाइन करने लगेंगे। वैसलिन को हम एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। अपना पूरा फुल फ्लेश्ड मेकअप करने के बाद चीक बोन्स के ऊपर, ब्लश के ऊपर हल्का सा वैसलिन हाथ पर लेकर ऐसे डैप डैप करके लगाएंगे तो वो एज अ हाइलाइटर का भी काम करेगा। अगर आपने कोई नए शूज़ या नए बूट्स परचेज़ करे हैं और जैसे ही आप उनको डाल रहे हो तो पीछे से ब्रिसल्स की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, नए शूज़ पर ही, नए सैंडल्स पर ही वैसलिन लेंगे और अंदर अच्छे से शूज़ के अंदर रब कर लेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सो गाइज, यही थे कुछ हैक्स वैसलिन पेट्रोलियम जेली के। अगर कोई भी हैक आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग।